1v4 What? रॉनी फाइनली जाके रॉनी एस पावर भी डाउन होते हुए जोकर आखिरी कल और अभी आईकुसोल आ चुकी है और जेली द्वारा इस पावर को टेक डाउन किया गया। नाइस, ये एक अच्छा खासा नॉक। मुझे लगा था आईकुसोल को नॉक मिल जाएगा बट टीम गॉडलाइक दे वर आल्सो अवेयर। वॉल्कनो का वो इलाका है जहां पर ये पूरी की पूरी बैटल आपको चलती दिखेगी और रॉनी वो प्रयास कर रहे हैं अंदर बढ़ाने का, वो प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। एक S12 की इनके पास दिखेगी जरूर और सामने आपको दिखने वाली एक DBS बोल्ट ऑफ गई। पैनिक रूम के अंदर खिलाड़ी को मजबूर किया बाहर निकलने को, HP काफी कम करी उस कनेक्शन के साथ, मगर नॉकआउट नहीं आ पाया। वो एक इनिशियल नॉकआउट वो आप अभी भी चाहते हैं क्योंकि आपने इस बार को नॉकआउट किया था और इस बार तो रीसेट करके आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और सुपर पावर अगर वापस आई है, सुपर पावर अगर वापस उठने हैं तो यहाँ से गेम निकालना इतना आसान रहेगा नहीं है। टीम आईकुसोल ने उस कंपाउंड को आप अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप ध्यान दें हल्का पीछे तक गया लेकिन जॉनथन का वो नेड नकुल को डाउन करेगा। टीम आईकुसोल रीसेट करना चाहती है। एस पावर बगल में वो खिलाड़ी थे, अगर एक हल्का सा पीक और जाता ऐसा दिखने पड़ती, बट एस पावर ये गलती हुई ट्रायल्स की स्प्रे एस पावर को भी करेगी डाउन। नकुल का तो ऑलरेडी समापन दिखा, जोकर की वो नेड किया ये यहां पर तंग कर सकती है क्योंकि बैटल के अंदर चीजें बदलती दिख रही है। ट्रायआउट की एक और नेड जोकर को भी समाप्त किया। एक आखिरी खिलाड़ी बच्चे दिखेंगे आपको जेली, ये जो एक अलग ऑफ एंगल पकड़ा है यहां से फिर अगर बाहर भी निकलेंगे तो बच नहीं पाएंगे। ट्रायआउट की बस एक स्पैम चल रहा है पंप शॉट करके कि एक खिलाड़ी बाहर आए एक बार तुरंत बहुत दिक्कत आ चुकी है स्मोक के उनके पता नहीं चला और प्लेयर भाग के ऊपर जाने में सक्षम रह गए। अभी भी टीम गॉडलाइक को पुश नहीं कर रही है, एक साथ टीम वक्त दिखाते आगे बढ़े। बट जॉनथन वो आगे गए, उन्हें नॉक किया, उन्हें समाप्त किया और अब ट्रेड लेने के लिए प्लेयर्स आगे जाना चाहेंगे मगर वो प्लेयर सर्वाइवल अभी भी चलता दिखेगा। वो एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी उम्मीद और टीम आईकुसोल या यहां से अब ये बाहर होने वाले या फिर होगी टीम गॉडलाइक। बट मुझे लग तो रहा है पैनिक रूम के अंदर बांध के रखा जाएगा एक और कनेक्शन। रॉनी व्हाट आर यू डूइंग, दूसरा प्लेयर डाउन कर चुके हैं। ये फाइट एक अलग ही लेवल पे एलिवेट होती हुई नजर आ रही है। टीम आईकुसोल के जोकर को भी शट डाउन कर दिया गया है, तीन प्लेयर्स एक डाउन हो चुके हैं आईकुसोल के। अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं रॉनी, आखिरी खिलाड़ी रॉनी ने जेली को डाउन किया है। ट्रायल्स इज आल्सो डाउन, ट्रायआउट को भी डाउन करने की कोशिश करेंगे। गॉडलाइक के ट्रायआउट हिज गॉट, ही इज द लास्ट मैन राइट नाउ। मॉली टच हुई है यहाँ पे लेकिन अभी के लिए निकलना पड़ेगा रॉनी वर्सेस ट्रायआउट, देखते हैं कौन जीतेगा यहाँ पे। रॉनी फाइनली जाके रॉनी विन करते हुए एंड इट वॉज एन अमेजिंग 1v4 1v4 तीन प्लेयर धराशायी हो गए थे लेकिन अंत में जाके रॉनी बाजी टिके रहे और स्लोली स्लोली एक एक प्लेयर, लेकिन इनकी ये विक्ट्री बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड। ये वो स्पार्क है जो रुकता नहीं इतनी आसानी से। लीजिए उल्टा इन्हीं के खिलाड़ी सवितार पे कनेक्शन आएगी। विंड गॉड अभी अब सोच रहे होंगे कि कहीं गलती तो नहीं गली, थोड़ा ज्यादा आगे कितनी चल गए, खिलाड़ी को बचाएगा कौन, बट मैक्स नहीं रुकेंगे। मैक्स और एक कनेक्शन आता दिखा लेकिन वही अभी को भी डाउन किया डाई फॉर यू की नेड ने। और मैंने जो चीज कही थी टीम एक्स पार्क, ये वो स्पार्क है जो अब यहां इस पूरी की पूरी लॉबी को बरसता दिखेगा, वो थंडर आती दिखेगी। टीम विंड गॉड भी बाहर हो जाएगी और टीम एक्स पार्क जीवित होता दिखा दोनों के लिए भी। चलिए ठीक है, दोनों ही गिन लेते हैं अभी के लिए क्योंकि हाइड्रा भी थोड़ा पीछे है मगर चल रहा है उनका भी बढ़िया। पर वही बात करेंगे टीम आईकुसोल की, यहाँ पर रॉनी ने जो गेम प्ले दिखाया मतलब इसे तो फ्रेम करके रखिए और रील आ भी चुकी होगी अब तक तो एडिट होके। वहीं अगर हम बातचीत करें यहाँ पर टीम आईकुसोल की, देखिए पेशेंस का क्या बेहतरीन एग्जाम्पल आपको रॉनी ने दिया। और सब हमें वेस्ट से साउथ, वेस्ट से ईस्ट अगर पूरा जो सेमी सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे बहुत सारी टीम बहुत सारे प्लेयर्स, लेकिन ये क्या सामने की तरफ चलिए उतार दिया है गाड़ी से गॉडलाइक ट्रायल्स को। इंतजार किया मानिया ने, ही वांटेड टू सिक्योर दैट फ्रैग, उन्होंने इंतजार किया वहां पे। जैसे उनको समझ आ गया कि अब कंफर्मेशन हो सकता है तुरंत उन्होंने डाउन किया। एंड नाउ जिस पुश की हम बात कर रहे थे वो टीम आईकुसोल का आ चुका है। आईकुसोल के खिलाड़ी गॉडलाइक के खिलाड़ी निकल चुके हैं और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन जो आ गया था मानिया द्वारा, बचे खिलाड़ी गॉडलाइक के निकल चुके हैं। दो ही खिलाड़ी मौजूद अब टीम गॉडलाइक के, सोल को एक बार फिर से वैल्यू मिलती हुई। और अब ये देखिए पास पास में सामने की तरफ खिलाड़ी, चलिए एक और प्लेयर को शट डाउन किया पीछे सीक्रेट, ही इज आल्सो डाउन। तो हमें नजर आ रहे हैं एनिग्मा के टीम आईकुसोल के चारों शेर पुश करते हुए, लेकिन मानिया बीइंग एन IGL फ्रंट मैन असॉल्ट कर रहे हैं, आगे घुसते जा रहे हैं। लेब्रॉन को डाउन किया गया और अब आखिरी खिलाड़ी, लेकिन मानिया नुकसान हुआ या कंफर्मेशन से बच पाएंगे मानिया, या अभी के लिए तो बच गए हैं बट अभी आखिरी खिलाड़ी सौम्या एक और प्लेयर को टेक डाउन करते हुए एनिग्मा टीम आईकुसोल के दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया है। मानिया को शट डाउन करेंगे, जोकर जाएंगे बट स्मोक के थ्रू यहां पे निकालना पड़ेगा ये फ्रैग। TPP से FPP पे स्विच किया, आखिरी खिलाड़ी अब भी मौजूद है सामने की तरफ, स्पॉट किया गया लेकिन क्या यहां पे कनेक्शन नहीं मिल पाया।
जोकर का कनेक्शन नहीं मिल पाया, देयर स्टिल वन प्लेयर जो टीम आईक्यू सोल की नाक में दम करके रखा हुआ है, मुगैम्बो ने ग्लोबली इस पावर भी डाउन होते हुए जोकर आखिरी खिलाड़ी बचाना पड़ेगा, जोकर अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जोकर हर बार जब इस खिलाड़ी के कंधों पे प्रेशर आया है इसने हमेशा आउट प्ले करके दिखाया है, क्या ये खिलाड़ी इस बार भी करके दिखा पाएगा? जोकर हमेशा इस खिलाड़ी से उम्मीद रहती है और कर दिया, चलिए कर दिया, कर दिया एक बेहतरीन तरीके से वो डिलीवरी आपको दिखी, जैसा आपने कहा कि जब जब जरूरत पड़ी है जोकर वो खिलाड़ी थे जो कि नाइट द शाइनिंग आर्मर आपको आगे बढ़ते दिखे। और ये जो अब पन्ना पलटेगा ये बताएगा कि मंगलवार से होने वाले ग्रैंड फाइनल्स पे क्या टीम एंट्री कर रही है। जी हाँ, अब वो नाम मेडल ईस्पोर्ट्स 164 एक टाई हुआ है गेम जो 16वें और 17वें पायदान पे एक टाई हुआ है। मेडल ईस्पोर्ट्स अपने आप को कितना ज्यादा कोसेंगे अभी की एक आधा पॉइंट अगर निकल जाता, एक पॉइंट अगर वो यहाँ पे प्राप्त कर लेते तो शायद यहाँ पे ग्रैंड फाइनल की जो जर्नी थी वो यहाँ पे आसान बन जाती। यहाँ पे आप देखिए जेनिक्स एफएम ईस्पोर्ट्स जिनका शुरुआत बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया शुरुआत रही थी जेनिक्स एफएम ईस्पोर्ट्स की इस पर्टिकुलर श्रृंखला में, बट उसका कुछ परिणाम अच्छा नहीं हुआ। कार्निवल गेमिंग के द्वारा भी हमने बात करी थी हेक्टर के साथ,